का बेसन का घोल में हमने हींग और जीरे, लाल मिर्च, प्याज, नमक और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया। पहले हमने तवा में हल्का सा तेल लगा लिया है, फिर हमने बेसन का घोल डाल लिया जो बेसन का चीले का घोल बनाया था। अब मेरी मम्मी थोड़े धीरे धीरे फैला रही हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाएंगे चारों तरफ, जिससे चिपके नहीं, आराम से निकल आए। कितना अच्छा सिक गया है, कितना पतला है, देखो देखो कितना पतला भी है, रोई की तरह।